Disclaimer: All information is provided in good faith. However, we make no representation or warranty of any kind, express or implied regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability or completeness of this information. Thank you. Hello everyone. मैं डॉक्टर राजन वैद्य, MD DGO मुंबई एंड MRCOG लंदन. पिछले 28 साल से कल्याण स्थित साईराज फर्टिलिटी सेंटर में मैं स्पेशलिटी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करता हूं. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनफर्टाइल कपल यानी बांझ से बाधित कपल की जांच कैसे की जाती है, उनमें क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं. जैसे भी हमने पिछले वीडियो में देखा है कि इनफर्टिलिटी समस्या के लिए जितना पुरुष यानी मेल जवाबदार है उतना ही स्त्री जवाबदार है. तो पुरुष जन्य कारण हो सकते हैं, स्त्री जन्य कारण भी हो सकते हैं. इसीलिए हम इनफर्टाइल कपल की जांच की शुरुआत दोनों की टेस्ट साथ में ही कर देते हैं, साथ में शुरुआत कर देते हैं. अभी मेल की तरफ देखें तो मेल यानी के पुरुष की सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है उसकी धातु परीक्षा यानी सीमेन एनालिसिस. ये तो जानकारी है कि पुरुष के धातु में शुक्र जंतु रहते हैं, जो शुक्र जंतु संभोग के बाद योनि मार्ग में जो गिरते हैं वहां से स्त्री बीज की स्त्री जननेंद्रिय को इसके अंदर जाके यूट्रस के अंदर जाके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और गर्भधारणा होती है. तो सीमेन एनालिसिस में तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो हम देखते हैं वो है शुक्राणु की संख्या, स्पर्म डेंसिटी, शुक्राणु की आगे जाने की यानी फॉरवर्ड प्रोग्रेशन की जो रेट है वो, क्योंकि शुक्राणु को अपने मूवमेंट से स्त्री बीज को पाना होता है, और थर्डली शुक्राणु की मॉर्फोलॉजी यानी इसका अपीयरेंस कैसा दिखता है. तो मोटिलिटी, डेंसिटी, मोटिलिटी एंड अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी, ये तीन चीजें हम देखते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लेटेस्ट मैनुअल के अनुसार कम से कम 15 मिलियन पर ml इतनी स्पर्म की डेंसिटी होनी चाहिए, 30% रैपिड फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होनी चाहिए, एंड मोर देन यानी 4% से भी ज्यादा नॉर्मल स्पर्म होनी चाहिए. ऐसा होता है तो हम वो सीमेन या वो पुरुष कंप्लीटली प्रजननक्षम है, फर्टाइल है, ऐसा हम बोलते हैं. इससे कम होएगी तो हम बोलते हैं कि उसको मेल सब फर्टिलिटी है. जब भी शुक्र जंतु में मेल के धातु में एक भी शुक्र जंतु नहीं आता है तो उसको हम एजोस्पर्मिया ऐसा बोलते हैं. ऐसे हालत में हम 2 हफ्ते के बाद वापस एक बार सीमेन टेस्ट करते हैं और दोनों टाइम में अगर एजोस्पर्मिया आ गया तो हम आगे की जाँच उसकी करते हैं, जो जिसके बारे में एजोस्पर्मिक मेल को कैसे ट्रीट किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाता है और कैसे ट्रीट किया जाता है इसके लिए, और जिसकी वजह से हम उसको प्रिक्लूड कर सकें, ये हम अभी और एक वीडियो में मेरा जो आने वाला है उसमें हम देखेंगे ही. लेकिन ये जानना जरूरी है कि एजोस्पर्मिया लेबल करने के लिए कम से कम 2 सीमेन सैंपल की जरूरत है जो 2 हफ्ते के फासले में की गई. सीमेन में और भी एक चीज देखी जाती है कि सीमेन में पस सेल्स का होना, क्योंकि सीमेन में अगर इन्फेक्शन है तो शुक्र जंतु की बीज फलित करने की क्षमता को वो कम कर देता है. भले ही फिर शुक्राणु की संख्या नॉर्मल हो, उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोग्रेशन यानी कि आगे जाने की रेट यानी वेग अच्छा हो, फिर भी वो सीमेन की क्वालिटी कम कर देता है. और सीमेन की ऐसे हालत में हम सीमेन कल्चर यानी कि सीमेन को सीमेन में किस प्रकार के जंतुओं का छिड़काव हो गया है और उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करके उसी प्रकार के एंटीबायोटिक से हम सीमेन वो पुरुष को ट्रीट करते हैं और सीमेन में हुए इन्फेक्शन को नष्ट कर देते हैं. स्त्रीजन्य कारणों के बारे में बोलना चाहे तो उसकी जो वर्गवारी है, वन इज उसकी जनरल हेल्थ मापने की टेस्ट होती है और स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन की मापने की टेस्ट होती है. तो हम उसका वर्गीकरण करेंगे बेसिक हेल्थ मापने की टेस्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ मापने की टेस्ट. बेसिकल टेस्ट के लिए उसका कंप्लीट ब्लड काउंट, उसका यूरिन एग्जामिनेशन कि उसको एनीमिया नहीं है ना, यूरिन में इन्फेक्शन है क्या, उसका ब्लड शुगर लेवल्स, उसका थायराइड और प्रोलैक्टिन जो 2 हार्मोन्स है उसकी एबनॉर्मल मात्रा होने के कारण स्त्री में बांझपन आने का बहुत चांस रहता है. तो वो भी हम थायराइड टेस्ट, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन,
फ्री T3 एंड फ्री T4 या हार्मोन लेवल एंड सीरम प्रोलैक्टिन ये हार्मोन हम जांचते हैं। इसके साथ साथ में उसको कुछ वायरल इन्फेक्शन से वो पीड़ित है क्या, इसके लिए हेपेटाइटिस बी HBsAg HIV और HCV एंटीबॉडी उसमें है क्या, वो भी जांचते हैं, क्योंकि आगे चलकर उसको रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट करनी है तो इसकी वजह से उसके हस्बैंड को कुछ जंतु संसर्ग न हो जाए, इसके लिए ये टेस्ट हम मेल में भी और पुरुष में भी करते हैं। स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं तो हम चालू करें समझो स्त्री बीजकोश से। स्त्री बीज यानी अंडा निर्माण करना या स्त्री बीजकोश का इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मेन फंक्शन है। तो स्त्री बीजकोश में कितने अंडे या कितने ओवा बाकी है उसकी मापने के लिए एक अत्यंत परिणामकारी टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं एंटी मलेरियन हार्मोन लेवल। तो सिर्फ ब्लड की एंटी मलेरियन हार्मोन लेवल हम जिसको AMH बोलते हैं वो टेस्ट हम करते हैं। ये बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट में ही उसका अंतर होता है। एंटी मलेरियन हार्मोन की खासियत यह है कि ये पीरियड के मासिक पाली के कौन से भी दिन आप करेंगे तो भी उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। एंटी मलेरियन हार्मोन स्त्री के बीज में कितने बीज मौजूद है, उसका ओवेरियन रिजर्व कितना है, उसका द्योतक है। एंटी मलेरियन हार्मोन की वजह से हम बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू से हम बोल सकते हैं कि उसका कैसा ओवरी का रिजर्व और किस टाइप का ट्रीटमेंट से हम उसको आगे लेके जाना है फर्टिलिटी के लिए। दूसरी चीज है कि हम जो ओवरी माप के ओवरी का कार्यक्षमता मापने के लिए करते हैं वो उसके पीरियड के सेकेंड डे को हम यूनिमार के द्वारा एक सोनोग्राफी करते हैं जिसको हम ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी बोलते हैं। इस ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी में हम ओवरी का वॉल्यूम और ये ओवरी में कुछ सिस्ट वगैरह है क्या, वो ये तो जांचते ही है, लेकिन प्रजोत्पादन क्षमता के लिए या फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसके ओवरी में कितने एंट्रल फॉलिकल्स है, यानी कि 2 से 6 मिलीमीटर वाले जो एग्स रहते हैं जिसका आगे चलकर एग्स में रूपांतर हो सकता है, इसको हम एंट्रल फॉलिकल काउंट बोलते हैं, जिसको एंट्रल यानी कि कैविटी रहती है। तो दोनों ओवरी में एंट्रल फॉलिकल काउंट कितना है उससे हम उसकी प्रजोत्पादन क्षमता मापते हैं। जैसे 6 के नीचे है तो हम उसको बोलते हैं कि बोर ओवेरियन रिजर्व बिटवीन 6 and 20 इज द नॉर्मल रिजर्व एंड मोर देन 20 अगर होएगा तो हम बोलते हैं कि उसका ओवेरियन रिजर्व थोड़ा ज्यादा है, यानी कि उसकी पॉलीसिस्टिक ओवरी होने की शक्यता ज्यादा है। ओवरी में कुछ सिस्ट है क्या, क्या ओवरी में आजू बाजू में कोई ओवरी का ट्यूब से ओवरी का यूट्रस से कोई रिलेशन कैसा है, ये भी हम उस समय माप लेते हैं। अभी फैलोपियन ट्यूब सेकेंड ऑर्गन है कि बीजभाग नलिका, वो बीजभाग नलिका खुली है कि नहीं है मापने के लिए जो हम हमारे सेंटर में टेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सोनोसाल्पिंगोग्राफी या सलाइन इन्फ्यूजन, दैट इज SHG या सेम प्रोसीजर को बोलते हैं सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, जिसको हम पीरियड के 6वें से 10वें दिन के अंदर स्त्री के योनि मार्ग से द्वारा जो एक यूट्रस के अंदर एक कैथेटर जिसको हम गोल्डस्टीन कैनुला बोलते हैं वो डाल के सलाइन इंजेक्ट करते हैं, और वो सलाइन फिर यूट्रस के अंदर से जाके फैलोपियन ट्यूब से बाहर आया कि नहीं ये देखने के लिए एब्डोमिनल सोनोग्राफी करके हम देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब उसकी ओपन है कि बंद है। इससे और भी चीज़ें मालूम पड़ती है, जैसे यूट्रस के अंदर कुछ पर्दा होना, यूट्रस के अंदर पॉलिप होना, ट्यूमर होना, फैलोपियन ट्यूब में कुछ अड़चन होना, ये सब चीज़ें भी सोनोसाल्पिंगोग्राफी से मालूम। तीसरी चीज़ है यूट्रस। यूट्रस की सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हम करते हैं कि डे टू में जो बेसलाइंस क्या नंबर होते हैं, पीरियड के सेकंड डे के जो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी की जाती है उसको हम बेसलाइन स्कैन कर बोलते हैं, जिसमें हम ओवरी का जैसे फंक्शन और स्ट्रक्चर और फंक्शन मापते हैं वैसे यूट्रस का भी हम जांच करते हैं। इसमें हमको मालूम पड़ता है कि यूट्राइन साइज कैसी है, उसकी कैविटी का वॉल्यूम कैसा है, यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप या पर्दा या यूट्रस की कैविटी कोई इरेगुलर तो नहीं ना हो गई, ये भी हम माप लेते हैं। तो यूट्रस के अंदर और अगर कुछ इफेक्ट दिखा तो हम इमीडिएटली उसको नेक्स्ट डे को हम यानी कि वही साइकिल में 5वें 6वें दिन में हम हिस्टेरोस्कोपी करके देखते हैं कि कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर पॉलिप है, जिसको हम हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा नष्ट कर देते हैं, यानी कि कैविटी उसकी प्रजोत्पादन करने के लायक नॉर्मल करवा देते हैं। तो यह होगा ये थ्रीजेंडर टेस्ट जो इसका हम बोले कि वो बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट बोलते हैं उनको, जिसमें स्त्री की जनरल हेल्थ मापने की टेस्ट होती है और स्पेसिफिक उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ मापने की टेस्ट होती है।
अगर मेरे इस वीडियो के बारे में या इसके बाद कोई अगर आपको शंका हो तो हम नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपके सवाल जरूर पूछिएगा। मैं या हमारे टीम में से कोई आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब दे देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी से लेके और कोई साइंटिफिक।